हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय निशा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन था और उसी की तैयारी में लगी हुई थी। ये देखिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं केक लाने के लिए क्योंकि बर्थडे था और एग्ज़ाम भी है, संग में बर्थडे भी पड़ गया तो बच्चे का मन रखने के लिए सेलिब्रेशन तो करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अब हम लोग चल गए केक शॉप में। यहाँ पे बहुत तरह के केक मिल रहे थे। ये सब एगलेस केक है। मेरे बेटे को रेड वाला पसंद था लेकिन वो छोटा था क्योंकि बहुत जन आने वाले थे तो छोटे में नहीं होते थे, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज में मैंने लिया केक। ये देखिए एगलेस केक, खाने में बड़ा टेस्टी था। ये देखिए, मैं केक शॉप का वीडियो आपको फोटो दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना अच्छा लगता है केक शॉप। ये देखिए, यहाँ पे आपको पिज्जा, बर्गर, पैटीज सब चीज आसानी से अवेलेबल रहता है। ये देखिए, कुछ भी आपको खाने का मन करे तो ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा पूजा घर, जन्मदिन की शुरुआत मैंने पूजा घर से की। मैंने सब जगह फूल माला चढ़ा अपने सास दादी, सास दादा, ससुर सबको, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज जो है यहाँ पे। ये देखिए मेरा घर को मेरे पति सजा रहे हैं। ये देखिए, बर्थडे है तो बैलून तो लगेगा ही, तो सब जगह बैलून रिबन्स लगा रहे हैं। सजने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है मेरे घर। ये तो अभी सजा रहे हैं और यहाँ मेरे ससुर जी लहसुन छील रहे हैं, आधे लहसुन, खाना भी बनाना है, बच्चे आएंगे तो खाना भी देना। ये मेरा बाबू बैलून फुला रहा है। देखिए तैयारी चल रहा है, अभी हम लोग का थोड़ा फोटो शूट हो रहा है। देखिए देखिए, इसको देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है, नाच ले हम लोग, चलो सब तरह नाच ले। हाय गाइस, देखिए बात की है। थोड़ा मार खाली है, कपड़ा हटाओ कपड़ा। हम लोग बोल रहे थोड़ा से मार खाना बाबू, मार खाने वाले। बर्थडे मतलब ही बच्चों का सेलिब्रेशन और घर को सजावट, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़े कपड़े हैं, मैं बाद में हटा दूँगी। उसके बाद सजाने के बाद घर कितना सुंदर लग रहा था देखने लायक। ये देखिए, ऊपर बैलून में बड़ा बैलून टांगा हुआ, उसमें लॉजेंस डाला हुआ है और गुलाब के पंखुड़ियाँ डाले हुए हैं। जब वो फूटेगा तो सब वो गिरेगा नीचे। ये मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, चना दाल की सब्ज़ी। ये मसाला भून रही हूँ और मैंने चना दाल आगे से ही ऑलरेडी सीटी लगा कर रख दिया है। ये देखिए, पूरा सींच के। उसके बाद मैं यहाँ खीर बनाई हूँ क्योंकि जन्मदिन में खीर बनाना, मीठा बनाना पड़ता है। और मैंने कॉफ़ी चाय सब बना के रख दिया कि जो आएंगे बड़े लोग उनको दूंगी। और ये मैंने आटा भी गून के रख दिया है। अब मैं थोड़ा सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी, ये सब खाने का आइटम है। फिर मैं, ये देखिए, मैंने केक ला कर फ्रिज में रख दिया था क्योंकि डार्क फॉरेस्ट है तो उसे डीप फ्रिज में रखा जाता, नहीं तो गल जाएगा। ये कुछ मैंने नाश्ते में मंगाया है बच्चों को, और केक दूंगी तो उसके संग वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ये देखिए, सब मेरे इन लॉज आ गए हैं। बर्थडे में मैंने बुलाया था। ये देखिए, बच्चे कितने खुश होते हैं बर्थडे के दिन में। अभी बहुत कम जन आया, सब आएगा अच्छे से। यहाँ फोटो शूट चल रहा है बर्थडे बॉय के साथ। फॉर्म आया था तो बाबू, पूरा तो लग रहा है बर्फ गिर रहा था ऊपर से, बोलो।
आसपास के जितने भी बच्चे थे मैंने सबको बुलाया। बर्थडे में तो बच्चे से ही अच्छे लगते हैं। कौन अब केक काटने की बारी है। देखिए केक काटाएगा। ये देखिए बेटा का नाम अभिषेक है तो अभिषेक केक में लिखा हुआ है। मारो मारो जो अच्छा लगे। hey, सब छोड़ दो काटो काटो बस। हो गया हो गया हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे दादी आगे दादी। अरे बाबा बाबा वाला फटाने में लाइटर मार। अब ऊपर वाला बलून फूटेगा उसमें लॉजेंस से ये देखिएगा और बच्चे कैसे उठाएंगे लॉजेंस को। किसको मिला सबको एक बाबू सोचते सुंदर क्या लगे काटो ना अब ना जाओ नाच। छोड़ दो दिन बोनू का छोड़ दो। रिकॉर्डिंग होगा ये सेलिब्रेशन अभी चलेगा। नाच जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों को आप देखते रहिएगा। थैंक यू।